फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दाल मेथी की सब्जी। मेथी तो वैसे टेस्ट में बहुत कड़वी रहती है, पर अगर आप इस तरीके से ये सब्जी बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी, थोड़ी भी कड़वी नहीं लगती है। मेथी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है, इससे पाचन बहुत अच्छी तरह से होता है। तो आप भी ऐसे मेथी की सब्जी ज़रूर बना के देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीनाज यम्मी किचन। रेसिपीज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। न्यू रेसिपी पाने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। आप ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करना एकदम फ्री है। सबसे पहले हम 2 बड़े चम्मच मेथी लेंगे और 1 चम्मच हमने तुअर की दाल ली है। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और 1 गिलास पानी इसमें ऐड करके हम इसे कुक होने के लिए रखेंगे। इसकी हम 4 सीटी होने देंगे। अभी हम इसे गैस पर रख के 4 सीटी होने देंगे। एक बड़े साइज का प्याज हमने कट कर लिया है और उसे हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छी तरह ब्लैकिश कलर इसमें आ जाए तब तक हमें इसे भून लेना है। अभी हमें 1 प्लेट में निकाल लेंगे। 1 चम्मच हमने मूंगफली के दाने लिए हैं, इनको भी हम अच्छे से भुनेंगे। अच्छे से रोस्ट होने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। उसी पैन पे हम 1/2 कटोरी ग्रेटेड कोकोनट लिया है, ये हमने सूखा ग्रेटेड कोकोनट लिया है। इसे हमें लगभग 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। स्पून अच्छे से चलाते जाना है क्योंकि ये जल्दी से जल जाता है। इस तरह ब्राउन कलर आने तक हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये जो सब्जी है ये तीखी अच्छी लगती है, इसलिए हमने 3 बड़ी वाली हरी मिर्च और 5 छोटी वाली हरी मिर्च ली है। आप स्वादानुसार ये मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब्जी हम 5 लोगों के लिए काफ़ी रहेगी, इतनी सब्जी बना रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च कम ज़्यादा कर लेना। ये सभी चीज़ें जो हमने अभी रोस्ट कर ली है उनकी हम चटनी बनाएंगे। सबसे पहले हरी मिर्च हम मिक्सी जार में डालेंगे, उसके बाद प्याज, मूंगफली के दाने, ग्रेटेड कोकोनट, सभी जो चीज़ें हमने भून ली है सभी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ बढ़िया ऐसी टेस्ट देने के लिए लहसुन और 1/2 इंच अदरक हमने लिया है, 1/2 कटोरी हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। बढ़िया ऐसे कलर आने के लिए हमें इसमें हरा धनिया ऐड करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा पानी ऐड करके हमने चटनी पीस ली है। इस तरह फाइन ऐसी पेस्ट हमने बनाई है। लगभग 1/2 कप इतना पानी हमें इसे पीसते टाइम लगा है, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। अभी हम ये सब्जी को तड़का लगाएंगे। इसके लिए हमने 1 पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल हीट कर लिया है, 1 स्पून जीरा डालेंगे और 1/2 स्पून राई डालेंगे। फ्लेम हम लो कर देंगे और अभी जो चटनी हमने पीस ली है ये तड़का उसे लगाएंगे। ये थोड़ा सावधानी से करना है क्योंकि हम चटनी डालते हैं तो गरम तेल की भाप ऊपर आती है। स्पून से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो मेथी दाना और दाल हमने कुकर में कुक होने के लिए रखी थी वो भी अच्छे से कुक हो गई है। बढ़िया ऐसे मेथी फूल गई है, दाल भी अच्छे से कुक हो गई है।
चटनी में हम अभी 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 स्पून हल्दी और 1 स्पून मिक्स मसाला हम इसमें मिलाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है ताकि बढ़िया ऐसे मसाले की टेस्ट इसमें आए। 2 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। मेथी दाना और दाल जो हमने अच्छे से उबाल ली है वो भी इसमें अभी ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से ये सब्जी बनाएंगे तो ये थोड़ी भी कड़वी नहीं लगती, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप राइस या चपाती के साथ या ज्वार की भाकरी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। इस तरह इसमें से ऑयल छूटने लगे तब तक हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। बीच बीच में इसे स्पून से चलाते रहना है वरना वो नीचे से लग जाती है। ये जो सब्जी है ये पतली अच्छी लगती है। अभी हम जिस मिक्सी जार में हमने चटनी बनाई थी उसी मिक्सी जार में थोड़ा पानी ऐड करके इसमें मिलाएंगे। पर हमें ये टिप्स अभी ध्यान में रखना है कि इसमें जो भी पानी हम ऐड करेंगे वो उबला हुआ पानी हमें यूज़ करना है। कोई भी पतली सब्जी आप बनाते हो तो उसमें हमेशा उबला हुआ पानी ही यूज़ करना, उससे सब्जी की टेस्ट बढ़िया लगती है। इसमें हमने 2 ग्लास पानी ऐड किया है क्योंकि ये पतली अच्छी लगती है। आप आपके अकॉर्डिंग पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 मिनट तक हम इसमें उबाल लाएंगे। देखिए कलर कितना सुंदर आया है। 1 स्पून नमक हम इसमें मिलाएंगे, स्वादानुसार आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सब्जी में बढ़िया ऐसे ग्रीन कलर आने के लिए हरा धनिया हम चटनी में अगर मिक्स करके डालते हैं तो बहुत ही बढ़िया ऐसे कलर इसमें आता है। हम 2-3 मिनट तक इसे फिर से अच्छे से उबाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ऐसे सब्जी बनी है। इस तरीके से आप ये सब्जी बनाएंगे तो कोई शिकायत नहीं करेगा कि मेथी की सब्जी कड़वी लग रही है, या कोई तो पहचान भी नहीं पाएगा कि ये मेथी दाना की सब्जी है। बहुत ही टेस्टी, सुपर टेस्टी ऐसे लगती है। थोड़ा हरा धनिया हम इसमें मिला देंगे। इस तरह हम इसे एक छोटी कटोरी में सर्व कर देंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। न्यू रेसिपी पाने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ। आपका कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड।